इस वक्त खड़े हैं गगड़वाला मंदिर के जो बाहर तालाब बना हुआ है, गगड़वाला तालाब। यहाँ पर दिवाली के अवसर पर मोस पूजा होती है, पितृ पूजा लोग करते हैं और उनके यहाँ पर स्थान बने हुए हैं। और जिस स्थान की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैन धर्म का पूजा स्थल है। यहाँ पर जैन धर्म अपने पितरों की पूजा करते हैं हर दिवाली के अवसर पर। और अब दिवाली में लगभग 12 या 13 दिन बाकी है और इनके पूजा स्थल पर 6-6 इंच पानी भरा हुआ खड़ा है और ये लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और इनका ऐसा भी कहना है कि ये लगातार नगर पालिका से भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या जो कि तू बनी हुई है, इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। तो आज ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने अपनी बातचीत रखी है। तो चलिए बातचीत कर जानेंगे कब से ये समस्या इनको फेस करनी पड़ रही है। हाँ जी, क्या कुछ समस्या आ रही है आपको? आप बता रहे हो कि ये पूजा स्थल है आपका, दीपावली पर हर वर्ष यहाँ पर पूजा होती है, तो क्या समस्या आपको सामने आ रही है? पहले तो आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद जो हमारी समस्या को दिखाने के लिए आप यहाँ आए हैं। जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे दिवाली के मोस के दिन बाहर से भी लोग बहुत आते हैं और हमारे यहाँ के समाज के लोग भी सारे एक साथ पूजा करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से पानी यहाँ पर भरा पड़ा है, लगता नहीं कि मोस पर हम पूजा कर पाएंगे इस बार। कितना पानी है यहाँ पे लगभग? देखो आपके सामने है, 6-7 इंच तो अंदर है, उससे आगे फिर और डाउन हो जाता है पानी। अच्छा, लगभग 1 फुट के आसपास पानी भरा हुआ है। किस वजह से इस समस्या पैदा हुई? ये तालाब बनने की वजह से हुआ है, पहले कभी ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पे इतने साल से हम भी मत्था टेक रहे हैं, कभी भी और इतनी बरसातें हुई है, कभी इतना पानी नहीं भरा जितना इस बार पानी भरा हुआ है। आप इस पानी की वजह क्या मानते हो? आप क्यों, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर पानी इतना 6-6 इंच पानी यहाँ भर चुका है, क्या वजह मानते हो इसकी? पानी की देखो, बनाया तो जरूर तालाब है, लेकिन इसकी कोई अभी तक मेन निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, उसकी वजह से पानी ये पानी भरा हुआ है। तो क्या आपने प्रशासन, जैसे नगर पालिका है सडोरे में, क्या आपने उनको कंप्लेंट वगैरह नहीं करी? जी बिल्कुल, नगर पालिका के सेक्रेटरी साहब से हमारी 5-6 दिन से लगातार बात चल रही है और उन्होंने यही आश्वासन दे रहे थे कि हम पानी निकलवा देंगे, पानी निकलवा देंगे, लेकिन कोई ऐसा हमें ठोस यहाँ पे काम होता हुआ दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से ये पानी निकलेगा। जिससे जो पंप भी हमारा, आपको मैं दिखाता हूँ कि जो पंप की जो पाइप है वो भी बाहर पड़ी है, आप खुद लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी नहीं निकलेगा। जैन साहब, ये मोटर यहाँ पे लगी हुई है पानी निकासी के लिए, क्या आप इससे संतुष्ट नहीं है क्या? बिल्कुल हमें कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि ये देखिए पाइप बिल्कुल बाहर पड़ा है, कहीं पानी में नहीं है, तो पानी कैसे निकलेगा आप बताइए। तो ये बाहर निकाला हुआ है, किसने निकाला है इस पाइप को बाहर? ये कल तक इधर छोटे से ये जगह बनाई हुई है, इसमें पड़ा था, इसका पानी निकाल रहे थे, इससे इसका कोई भी, देखिए आप, कोई भी इससे कंसर्न नहीं है, ठीक है? तो पानी जब तक, देखो इसमें पाइप नहीं जाएगा जब तक पानी नहीं निकल पाएगा, तो मतलब कोई इंतजाम है नहीं यहाँ। और अभी हमारी थोड़ी देर पहले सचिव साहब से बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि हमें कल का कोई प्लम्बर नहीं मिल पा रहा है, आप प्लम्बर का इंतजाम करके दीजिए, और हमने प्लम्बर भी प्रोवाइड करवा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कर्मचारी या कोई भी नगर पालिका प्रशासन का कोई भी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो प्लम्बर भी आपकी तरफ से मुहैया कराया गया? बिल्कुल, हम ही मुहैया करवा के दे रहे हैं। अच्छा, फिर भी उसके बाद भी काम चालू नहीं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं है। हाँ जी सर, कब से आ रही है समस्या? ये समस्या इसी बार से आ रही है जब ये प्रशासन ने ये यहाँ पर तालाब को पक्का बनाने की जो विधियाँ शुरू किए हैं, और इस तालाब को ज़्यादा ऊंचा कर दिया गया, पानी की निकासी अब बिल्कुल नहीं हो पा रही है। पानी पहले खेतों में या बाहर नाले में निकल जाया करता था, वो पानी सारा का सारा इधर बैक मार रहा है। और ये जहाँ हमारा पूजा स्थल है, जहाँ पर हम बैठकर अपना दिवाली वाले दिन पूजा करते हैं, जिसमें बाहर से भी लोग बहुत आते हैं, मतलब इतनी भारी समस्या है कि ना बैठ पाने ना खड़े हो पाने की जगह बची है। तो कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पर पूजा करते हैं? यहाँ पर सभी धर्मों के लोग पूजा करने आते हैं। हम जैन धर्म से हैं, बनियों में से, पंडितों में से, हर विषय वर्ग में से यहाँ पे जो आते हैं, सुनारों में से वो आते हैं, अपना माथा टेकने। इस पर सभी को यह भारी समस्या आ रही है, रास्ता बड़ा खराब है और पानी ही पानी खड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि दिवाली तक ये समस्या का हल हो पाएगा? ऐसा है जी, हम नगर पालिका सचिव से और उनसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ वो आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर ठोस धरातल पर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नगर पालिका के चेयरमैन है क्या, उनसे नहीं आपने बात करी? जी हमने, हाँ जी हमने उनको भी कहलवाया, वो भी कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, वो वहाँ से पानी निकलवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ आश्वासन देते, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है, काम कोई नहीं हो पा रहा है, जबकि दिवाली में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और ये हमारे बहुत भारी समस्या है हमारे लिए। अब ये हम तो सिर्फ प्रशासन से गुहारी कर पा रहे हैं, और या फिर कुछ पानी निकल जाए तो हम अगली बार इसके लिए थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए सोचा जा सकता है कुछ और। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा?
फिर तो प्रशासन के वहाँ पर बैठ कर धरने दिया जाएगा। जी जी जी। नाम है आपका? मुकेश। अच्छा, तो क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ जी समस्या ये है, जब का तालाब बनायो। अच्छा। जब तक वो अर्चन आई है मंदिर में भी पानी बढ़ गया था, चार चार फुट पानी। कौन सा मंदिर है? गगड़वाला का मंदिर। हाँ जी। तो ये क्या क्या मानते हो इस समस्या? ये तालाब के वजह से बड़ा पानी, तालाब बनाना उनका। अच्छा। इसकी समस्या नहीं करी इन्होंने, या तो समस्या कर दिया। किन्होंने नहीं करी? हाँ जी, किन्होंने नहीं करी? बना कमेटी वाले ना। कमेटी वाले ने? अच्छा। हाँ जी। तो कमेटी वाले पे गए नहीं आप? हाँ, कमेटी वाले जा तो आए। क्या कह रहे फिर? मैं कह रहा हूँ मैं देखेंगे, पानी कटवाऊंगी देखेंगे। अच्छा, देख अभी तक देखा नहीं? हाँ, तो रहना मोटर चल रही, मोटर खराब है, मोटर भी खराब पड़ी। हाँ। अच्छा, तो दोस्तों ये मोटर एक लगी हुई है, नगर पालिका की तरफ से लगाई गई थी, जो फिलहाल बंद पड़ी है और किसी तरह के ये कार्य में नहीं लगी हुई, क्योंकि जब इस संबंध में नगर पालिका सचिव से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने प्लम्बर के लिए इन लोगों से मांग की थी, और प्लम्बर से बात भी हो चुकी है, उसने टाइम मांगा है और जब कार्य बंद है ये, वो प्लम्बर साइट पर पहुंचेगा। जिस तरह से उन्होंने बताया कि प्लम्बर की जो मांग है नगर पालिका की तरफ से की गई थी, हम आगे की जो प्लम्बर मुहैया कराया जाए, लेकिन आरंभ इनकी तरफ से और प्लम्बर की व्यवस्था भी की गई है, उसको जल्द यहाँ पर अभी तक देख रहे थे। धन्यवाद।